अबू बकर अल बगदादी। आतंक के इस्लामिक स्टेट का स्वयंभू खलीफा, जिहाद का जहर उगलने वाला, कई सिरों वाला नाग। इतना जहरीला कि दो साल में ही उसने अमेरिका और रूस दोनों की नींद हराम कर दी। इस्लामिक स्टेट के सिरफिरे जिस तरह इराक, सीरिया से लेकर पेरिस और अमेरिका के सैन बर्नार्डिनो तक आतंकी हमले कर रहे थे, उससे लगने लगा था कि कई हाथ कई सिरों वाला ये शैतान शाश्वत है, अदृश्य रूप से हर जगह मौजूद। लेकिन जो उठता है वो गिरता भी है। खौफ की हुकूमत के उठने के दिन भी खत्म हो गए हैं। एक एक करके बगदादी के सभी अदृश्य और दृश्यमान हाथ कट कट कर गिर रहे हैं। मारा गया बगदादी का वजीर, पकड़ा गया केमिकल हथियारों का एक्सपर्ट, छिन गए सबसे मजबूत किले, क्योंकि बगदादी का हाथ कटा। कुछ ही दिन में बगदादी का तख्त हिल गया है। अमेरिकी कमांडोज ने बगदादी के केमिकल हथियारों के प्रमुख सलेमान दाऊद अल अफारी को दबोच लिया है। अमेरिकी हवाई हमले में बगदादी का युद्ध मंत्री उमर अल शिशानी मारा गया। मिसाइल हमले में प्रवक्ता अबू मोहम्मद अल अजनानी जख्मी हो गया। रमादी शहर हाथ से निकल गया। इराकी राजधानी मोसूल गिर चुकी है। सीरियाई राजधानी रक्का का किला भी महफूज नहीं रहा। आज देखिए आतंक के इस रावण के कैसे कट गए हाथ। बगदादी का हाथ कटा। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। हुकूमतें अनगिनत अदृश्य हाथों से सत्ता चलाती हैं। अबू बकर अल बगदादी, इस्लामिक स्टेट का स्वघोषित खलीफा, भी आतंकी हुकूमत चला रहा है। हजारों हजार अदृश्य हाथों से उसने आतंक का एक जाल फैलाया है। लेकिन अब यह जाल कट रहा है। एक तरफ हवाई हमले में बगदादी का युद्ध मंत्री मारा गया है, तो दूसरी तरफ कमांडो ऑपरेशन में केमिकल हथियारों का एक्सपर्ट पकड़ा गया है। रही सही कसर युद्ध क्षेत्र में पूरी हो रही है, जहां हर मोर्चे पर हारने लगा है बगदादी, कटने लगे हैं बगदादी के अदृश्य हाथ। उनका निशाना है अचूक, वार है धारदार, हथियार है घातक और नाम है डेल्टा फोर्स। अमेरिकी सेना की ये सीक्रेट स्पेशल यूनिट है, जिसे कमांडो की तरह छापा मारना, जासूस की तरह खुफिया जानकारियां इकट्ठी करना, दोनों ही सिखाया जाता है। साल 2011 के बाद अमेरिकी सेना पहली बार इराक की जमीन पर उतरी है। डेल्टा फोर्सेस को नया मिशन दिया गया है, ISIS के हाई वैल्यू टारगेट को आइडेंटिफाई और न्यूट्रलाइज करना, यानी ISIS के बड़े नेताओं को खोज कर मार गिराना या फिर दबोच लेना। डेल्टा फोर्स की इस महारत का पहला शानदार नतीजा सामने आ चुका है। जब अबू बकर अल बगदादी को लगा सबसे बड़ा झटका, पकड़ा गया बगदादी के केमिकल हथियारों का प्रमुख। खबरों के मुताबिक अमेरिका की स्पेशल डेल्टा फोर्सेस ने रात के अंधेरे में सटीक खुफिया जानकारियां जुटाकर इराक के तल अफर शहर पर कमांडो छापा मारा। एक इमारत में छुपा हुआ था स्लीमन दाऊद अल अफारी, जिसे कमांडोज ने भारी गोलीबारी के बाद धर दबोचा। यानी बगदादी का सबसे खतरनाक हाथ कट चुका है, क्योंकि इस्लामिक स्टेट जनसंहार करने वाले केमिकल हथियार बनाने में जुटा था। इस साजिश को अब डेल्टा फोर्स ने नाकाम कर दिया। Making it such that ISIL has to fear that anywhere, anytime, it may be struck. And the only thing I'll say is the ETF is in position. Covert operation में अमेरिकी Delta Force ने जिस श्रीमान दाऊद अल अफारी को पकड़ा है, खबर है कि वो शख्स सद्दाम हुसैन की सेना के लिए भी जनसंहार वाले रासायनिक हथियार तैयार करता था। जिस तरह से इस्लामिक स्टेट के पैर उखड़ रहे हैं, उससे परेशान होकर बगदादी चाहता था कि अल अफारी ऐसे केमिकल हथियार तैयार करे जो जंग की तस्वीर बदल कर रख दें। खबर है कि ISIS ने पेशमर्गा लड़ाकों पर केमिकल हमला किया है।
25 फरवरी को पेशमर्गा फोर्स पर 19 कत्यूशा रॉकेट दागे गए। इस हमले के बाद रॉकेट से निकली गैस से 175 पेशमर्गा लड़ाके जख्मी हो गए। माना जा रहा है कि रॉकेट में जहरीली मस्टर्ड गैस या क्लोरीन का इस्तेमाल किया गया था। इन हालात में अल अफारी का पकड़ा जाना बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इराकी सरकार के लोग मानते हैं कि इस्लामिक स्टेट अब भी खतरनाक केमिकल हथियार नहीं बना पाया था। داعش لا تمتلك اي امكانيات كيميائيه تستخدم في بعض الاحيان غاز الكلور اللي هو غير مؤثر من الناحيه الكيميائيه ولكن تستخدمه بشكل كبير وكثير وتحاول ان تؤثر على معنويات المقاتلين ولكن نحن مستعدين بغدادي के केमिकल हथियार एक्सपर्ट श्रीमान दाऊद अल अफारी से लंबी पूछताछ के बाद कोएलिशन फोर्सेस ने केमिकल हथियार बनाने की आईएसआईएस की रही सही क्षमता खत्म कर दी। जब मोसुल में वो इमारत तबाह कर दी गई जहां इस्लामिक स्टेट रॉकेट्स में क्लोरीन और मस्टर्ड गैस भर रहा था। कुछ ही दिनों में बगदादी को एक और बड़ा झटका लगा है। ये झटका बगदादी की कमर तोड़ सकता है, क्योंकि अमेरिकी हवाई हमले में मारा गया है बगदादी का युद्ध मंत्री। ये अमेरिकी हवाई हमला सीरिया के शहर अल शदादी के पास 4 मार्च को हुआ, जब लड़ाकू विमानों और ड्रोन्स ने मिलकर इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों पर बम गिराए। माना जा रहा है कि इस हमले में 12 खूंखार लड़ाकों के साथ बगदादी का युद्ध मंत्री उमर अल शिशानी भी मारा गया। लाल दाढ़ी वाले उमर को द चेचन भी कहा जाता था। दरअसल इस्लामिक स्टेट में चेचन और कॉकेशस इलाके के लड़ाकुओं को बहुत इज्जत से देखा जाता है, क्योंकि उनके जैसे बीहड़ लड़ैया बहुत कम होते हैं। उनमें भी लाल दाढ़ी वाला उमर द चेचन न सिर्फ सबसे आगे था, बल्कि सीरिया की जंग में सबसे शातिर और खूंखार फौजी कमांडर के तौर पर खुद को साबित भी कर चुका था। जून 2014 में इस्लामिक स्टेट ने जब मोसुल पर कब्जा जमाया तो उस हमले का कमांडर भी उमर अल शिशानी ही था। अमेरिका लंबे समय से उसे खोज रहा था। आखिरकार सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर उसे मार गिराया गया। सेनापति के बिना बगदादी की फौज अब किस तरह से जंग लड़ेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि महज 10 दिनों में बगदादी के 2 मजबूत हाथ काट दिए गए। बगदादी की आतंक की सत्ता के हाथ अदृश्य है, लेकिन उसे चलाने वाली आतंक की कैबिनेट नहीं। बगदादी के प्रमुख सिपह सालारों की न सिर्फ पहचान कर ली गई है, बल्कि एक हिटलिस्ट भी तैयार की गई है, जिसमें एक एक कर बगदादी के कमांडर्स के नाम काटे जा रहे हैं। इस मिशन की सफलता को देखें तो साफ है कि अकेला पड़ता जा रहा है बगदादी। एक वक्त बगदादी अनगिनत अदृश्य हाथ वाला शैतान नजर आता था। जब से शैतान ने खुद को खलीफा घोषित कर खलीफा शाही का ऐलान किया, तब से साल 2016 की शुरुआत तक दुनिया के 20 मुल्कों में इस्लामिक स्टेट से प्रभावित करीब 70 आतंकी हमले हुए। कैलिफोर्निया और सिडनी से लेकर पेरिस तक हुए आतंकी हमलों में अनुमान है कि करीब 1200 लोग मारे गए। लेकिन अब हजारों अदृश्य हाथ वाला शैतान बगदादी भी मामूली इंसानों की तरह परास्त होता नजर आ रहा है। आइए देखते हैं ये कैसे हो रहा है। जरा नजर डालिए बगदादी के मौजूदा कैबिनेट पर। मोटे तौर पर करीब एक साल से इस्लामिक स्टेट के फैसले, रणनीति और नीति 6 लोगों की कैबिनेट तय कर रही थी। इस कैबिनेट में सबसे ऊपर है अबू बकर अल बगदादी, आईएसआईएस का स्वयंभू खलीफा, $1 करोड़ का इनामी। बगदादी फिलहाल कहां है, किस हाल में है, कोई नहीं जानता। लेकिन अब तक उसके फौजी अभियानों की कमान थी उमर शिशानी के हाथ। वो बगदादी का युद्ध मंत्री था, उस पर $50 लाख का इनाम था। मगर खबर आ रही है कि सीरिया में अमेरिकी हवाई हमले में उमर शिशानी मारा गया है। लाल दाढ़ी वाले इस चेचन फौजी कमांडर की गैर मौजूदगी में आईएसआईएस लड़ाके दिशाहीन होकर धार खो सकते हैं। उमर शिशानी अगर बगदादी का युद्ध मंत्री था तो अब्दुल रहमान मुस्तफा अल कदुली बगदादी का मुख्य सलाहकार था। अमेरिका ने उस पर $70 लाख के इनाम का ऐलान किया था, यानी बगदादी के बाद सबसे ज्यादा। लेकिन पिछले साल वो भी अमेरिकी हवाई हमले का शिकार बन गया। इराकी अधिकारियों के मुताबिक तलफर शहर के पास वो दर्जनों आईएस लड़ाकों के साथ मारा गया था।
बगदादी को इस साल एक और बड़ा झटका तब लगा जब अबू मोहम्मद अल अजरानी पर भी हमला हुआ। वो आईएसआईएस का प्रवक्ता था, उस पर $50 लाख का इनाम था। इराकी अधिकारियों के हवाले से आई खबरों के मुताबिक अदनानी के लश्कर पर इराक के अनबर प्रांत में आसमान से एक के बाद एक दो मिसाइलें गिरी, जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी हो चुका है। उसे मोसूल ले जाया गया है, जहां उसकी जान बचाने की कोशिशें हो रही हैं। बगदादी के इस कैबिनेट में अगला सिपहसालार है अबू मोहम्मद अल शिमाली। वो आईएसआईएस का प्रबंधक यानी लॉजिस्टिक चीफ है। उस पर $50 लाख का इनाम है। फ्रांस पर हमला करने वाले आत्मघाती हमलावरों को साजो सामान और बाकी चीजें उसी ने मुहैया कराई थी। लॉजिस्टिक चीफ के तौर पर उसकी जिम्मेदारी इराक, सीरिया से लेकर दुनिया भर में होने वाले हमले की खातिर आतंकियों को जरूरी चीजें और पैसा मुहैया कराना है। बगदादी की इस कैबिनेट में अबू उमर अल ट्यूनिशी भी है। ट्यूनिशी आत्मघाती हमलावरों का रिक्रूटर है। उस पर $30 लाख का इनाम है। और क्या बगदादी का अंतकाल आ गया है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि एक तरफ बगदादी के कमांडर्स मारे जा रहे हैं, दूसरी तरफ सीरिया से लेकर इराक तक बगदादी के किले एक के बाद एक ढहते चले जा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि कल तक जिस बगदादी को रोकना मुश्किल लगता था, आज महिला लड़ाके उसे किस तरह से हरा रहे हैं, उसके एयरबेस तक छीन रहे हैं। सीरिया से लेकर इराक तक इस्लामिक स्टेट से इराकी सेना, सीरियाई सेना, पेशमर्गा लड़ाके, सीरियाई विद्रोही समेत कई अलग अलग गुट मोर्चा ले रहे हैं। बगदादी के सिरफिरों के खिलाफ इस मिलीजुली मोर्चेबंदी की शुरुआत करीब 2 साल पहले हुई। तब बहुत तेजी से आईएसआईएस ने सीरिया और इराक के बड़े हिस्से में कब्जा जमाया था, लेकिन साल 2015 में आईएसआईएस ने इराक में 40% इलाका खो दिया। सीरिया का तेल अब्याद और 16 कस्बा आईएसआईएस हार चुका है। अलेप्पो में आईएस के कब्जे वाला अकेला एयरबेस मनाक भी छिन गया। सीरिया में बगदादी 20% जमीन खो चुका है। ये तस्वीरें सीरिया के मनाक एयरबेस पर कब्जे के लिए हुई लड़ाई की है, जब सीरियाई गुट की महिला ब्रिगेड YPG यानी पीपल प्रोटेक्शन यूनिट ने भी बगदादी के लड़ाकों को लोहे के चने चबवाए थे। इराक और सीरिया में लगातार हार का सामना करने के बाद इस्लामिक स्टेट ने लीबिया में भी पैर पसारने की कोशिश की है। 23 फरवरी को इस्लामिक स्टेट ने लीबिया के सबराता शहर में सुरक्षा बलों की ही हेडक्वार्टर पर कब्जा करने के बाद कत्लेआम मचा दिया था। من قبل التنظيم المسمى بتنظيم الدولة الدواعش وداهم المديرية الأمن واستولوا على المباني العالية في وسط المدينة. لكن ليبيا میں بھی اسلامی اسٹیٹ کی کامیابی وقتی ہی ثابت ہوئی۔ محض 24 گھنٹے کے بھیتر ہی سبراتا ہیڈ کوارٹر کو آئی ایس کے قبضے سے آزاد کرا لیا گیا۔ ظاہر ہے ایک ایک کر بغدادی کے قلعے چھنتے جا رہے ہیں۔ یہی نہیں، आर्थिक तौर पर भी इस्लामिक स्टेट कमजोर पड़ गया है। बगदादी के बैंक को अमेरिकी हवाई हमले ने तबाह कर दिया है। कई तेल कुएं भी बगदादी से छिन चुके हैं। कमाई घटने से बगदादी को हर महीने करीब 68 करोड़ 40 लाख डॉलर का नुकसान हो रहा है। इन हालात में बगदादी ने अपने लड़ाकों की तनख्वाह भी आधी कर दी है। इस वजह से अब लड़ाके भी साथ छोड़ने लगे हैं। ऐसे में ये मानने वालों की कमी नहीं है कि बगदादी का अंतकाल निकट आ पहुंचा है। बगदादी के आतंक की हुकूमत बस खत्म ही होने वाली है। हार सामने देखकर बगदादी कितना खूंखार और बेरहम हो गया है, ये इसी से समझा जा सकता है कि अब आगे के मोर्चे पर इस्लामिक स्टेट ने चारे की तरह छोटे छोटे बच्चों को झोंकना शुरू कर दिया। People fall right over there.
बगदादी की बच्चा ब्रिगेड इस्लामिक स्टेट के वीडियो में ये बच्चे कैदियों का कत्ल करते दिखते हैं, आत्मघाती हमले करते दिखते हैं, लेकिन सीधी जंग में लड़ते बच्चों का वीडियो हो सकता है अब तक आपने ना देखा हो, मगर भविष्य में सीधी जंग लड़ते बच्चों का वीडियो भी आ सकता है। क्योंकि हार सामने देख बगदादी ने की सबसे कायराना हरकत। बगदादी ने मुख्य मोर्चे पर उतारा बच्चा ब्रिगेड, पहली बार बच्चों को मुख्य मोर्चे पर भेजा, लड़ाकों की सुरक्षा दीवार के तौर पर तैनात हुए बच्चे। खबर दिल दहला देने वाली है। छोटे मासूम बच्चों के जहन में जिहाद का जहर बनने के बाद, उनकी मासूमियत छीन लेने के बाद, बगदादी ने अब बच्चों का इस्तेमाल चारे की तरह करना शुरू कर दिया है। 14 मार्च सोमवार को अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, वो मुख्य तौर से बच्चों का इस्तेमाल जासूसी, सूचना पहुंचाने और फिर आत्मघाती हमले में करता था, जो वो अभी भी करता है। अब हमें ऐसी रिपोर्ट भी मिल रही है कि बच्चों को लड़ाकों के साथ असली मोर्चे पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अपने लड़ाकों को साथ रखने की कोशिश में जुटा इस्लामिक स्टेट अब बच्चा फौजियों पर ज्यादा निर्भर है। पिछले 3 हफ्ते में ही इस्लामिक स्टेट ने अकेले सीरिया में न सिर्फ 3000 किलोमीटर जमीन खोई है, बल्कि उसके 600 लड़ाके भी मारे गए हैं। अनुमान है कि अब सीरिया इराक में 25,000 से 35,000 लड़ाके ही बचे हैं। इसीलिए इस्लामिक स्टेट ने मोर्चे पर भी बच्चों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। शक नहीं है कि प्रशिक्षित सेनाओं के सामने बच्चे बच्चे ही साबित होंगे। एक तरफ वो विरोधी सेनाओं का शिकार बनेंगे, दूसरी तरफ उन्हें जबरन जंग की भट्टी में झोंकने वाले इस्लामिक स्टेट का। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।